डेंगू वायरस को कंट्रोल करने का तरीकाकार दरियाफ्त कर लिया गया। दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में वुलबेकिया नामी बैक्टीरिया पर कामयाब तजर्बात किए गए। ऑस्ट्रेलिया के शहर नॉर्थ क्वींसलैंड में डेंगू वायरस का मुकम्मल खात्मा हो गया। डेंगू वायरस को कंट्रोल करने का तरीकाकार दरियाफ्त कर लिया गया। गैर मुल्की मुहक्किकीन ने अपनी तहकीक में दावा किया है कि वुलबेकिया बैक्टीरिया की मदद से डेंगू को कंट्रोल करने में मदद मिली, क्योंकि ये बैक्टीरिया इसे फैलना मुश्किल बना देता है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ये नतीजे दुनिया भर में डेंगू वायरस की रोकथाम के लिए किए गए तजर्बात से सामने आए और वुलबेकिया नाम बैक्टीरिया की मदद से 70% केसेस में कमी आई है। मुहक्किकीन के नजदीक ये नतीजा इंतहाई अहमियत के हामिल है। मुहक्किकीन ने अपने तजर्बात में बताया कि वुलबेकिया नाम बैक्टीरिया डेंगू वायरस को मच्छरों के अंदर बनने के अमल को मुश्किल बना देता है। सबूतों से सामने आया है कि मजमूई तौर पर डेंगू केसेस में 40% कमी देखी गई है। मुहक्किकीन के मुताबिक मलेशिया में किए गए तजर्बों के दौरान इनमें 90% तक कमी आई। इसके अलावा इंडोनेशिया के जजीरे जावा में, ब्राजील में 70% कमी आई, जबकि ऑस्ट्रेलिया के इलाके नॉर्थ क्वींसलैंड में इसका फैलाव रुक चुका है। आलमी इदारा सेहत के अदादो शुमार के मुताबिक डेंगू केसेस में ड्रामाई तौर पर इजाफा हुआ है। 1970 की दिहाई में सिर्फ 9 ममालिक में फैलने वाली डेंगू शदीद वबा अब 100 से ज्यादा ममालिक में फैल चुकी है, जबकि रवा साल सिंध में डेंगू से 40, इस्लामाबाद में 16, पंजाब में 24, बलोचिस्तान में 6, आजाद कश्मीर में 2 अफरान जान की बाजी हार गए।